अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ओशनोग्राफी में ओशन मूवमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले हमने हाइड्रोस्फीयर, रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर, सेलिनिटी इन द ओशन और टेम्परेचर ऑफ द ओशन को डिस्कस किया और इसके साथ साथ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशन मूवमेंट को भी डिस्कस किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम वेव्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप इससे पहले के टॉपिक को भी पढ़ें, जो ओशन मूवमेंट है, क्योंकि उसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि ओशन मूवमेंट टू टाइप्स के हैं। द वन इज विजिबल एंड द सेकंड इज नॉन विजिबल और ऑब्स्क्योर मूवमेंट। सो वेव्स आर विजिबल मूवमेंट ऑफ वाटर और ओशन, और वेव्स ओशन सरफेस पे तब बनते हैं जब विंड्स ब्लो करते हैं, और इन्हीं विंड्स के ब्लोइंग से सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जो वाटर को ऊपर और नीचे मूवमेंट पे मजबूर करता है, जिसको हम विजिबल मूवमेंट और वेव्स कहते हैं। और क्योंकि ये हॉरिजेंटली मूव करता है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्योंकि वेव्स वाटर के राइज और फॉल से बनते हैं, इसी वजह से वेव्स के दो पार्ट्स हैं, द वन इज क्रस्ट एंड द सेकंड इज ट्रफ। क्रस्ट वेव का अपर पार्ट है और टॉप पार्ट ऑफ द वेव, एंड ट्रफ इज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। वेव्स के हवाले से हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज वेव लेंथ। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो क्रस्ट है और इस क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस है, इसको वेव लेंथ कहते हैं, या ये जो ट्रफ है और इस ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है, ये वेव लेंथ है। सेकेंड इज वेव हाइट। सो वेव हाइट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, डायग्राम में शो हुआ है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज वेव हाइट। और उन एरियाज में जहां पे विंड ज्यादा देर के लिए ब्लो करेगा, वहां पे वेव्स हाइट में कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। The next is wave period. So, wave period, अगर डायग्राम में देखा जाए तो यही से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो क्रस्ट है, ये यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लेता है, this is actually known as wave period. और ये जो ट्रफ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लेता है, इसको wave ट्रफ और wave period कहते हैं, sorry. ये जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है, मींस वेव्स हैं, ये कैसे बनते हैं ओशंस में? सो डिफरेंट रीजंस हैं। द फर्स्ट इज वेलोसिटी ऑफ विंड। अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली वेव्स जो हैं, वो विंड के ब्लो करने से बनते हैं। जब विंड ब्लो करता है ओशन सरफेस के ऊपर, तो ये वेव्स बनते हैं। अब अगर वेलोसिटी इन विंड्स की ज्यादा है, मीन्स अगर स्पीड ज्यादा है, तो वेव्स हाइट में भी ज्यादा होंगे। द सेकेंड इज ड्यूरेशन फॉर विच द विंड ब्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत मैटर करता है विंड का। अगर विंड एक ही डायरेक्शन में बहुत टाइम के लिए ब्लो करता है, तो उन एरियाज में वेव्स बनते हैं। थर्ड इज डिस्टेंस ओवर विच द विंड ब्लोज अनइंटरप्टेड। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है विंड के रास्ते में, तो तब ये वेव्स जो हैं, इनके फॉर्मेशन में भी इंटरप्शन होती है, और इसी वजह से वेव्स सही तरह से नहीं बनते। फोर्थ इज डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एरियाज जहाँ पे वाटर का डेप्थ ज्यादा हो, वहाँ पे वेव्स सही तरह से बनते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, और जिन एरियाज में शेलो वाटर हो, वहां पे वेव्स ब्रेक होते हैं। सो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव्स।
वेव्स को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द वन इज ट्रांसवर्स वेव्स. ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मूव करते हैं, या हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर मूवमेंट और द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू द वाइब्रेशन और टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते बल्कि अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं. और सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज अपोजिट टू दिस टाइप ऑफ वेव, मीन्स द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होता है. मीन्स मॉलिक्यूल मूव इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव डायरेक्शन. ओशन में जब वेव्स बनते हैं तो उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, जिसके बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है इनटू सी, स्वेल एंड सर्फ. सो फर्स्ट इज सी. सी हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वेवलेंथ्स के वेव्स एक जगह पे वाटर सरफेस के ऊपर आके मिलते हैं तो एक इररेगुलर पैटर्न बनाते हैं जिसको सी कहते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो हुआ है. सेकंड इज स्वेल. जब यही वेव आगे चलकर यूनिफॉर्मली और स्मूथली मूव करता है इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न तो इसका जो वेव पीरियड है और वेव हाइट है वो इक्वल हो जाता है, जिसको स्वेल कहते हैं, जैसे कि पिक्चर में शो हुआ है. एंड लास्ट इज सर्फ. सो सर्फ जो है वो डायग्रामेटिकली बी शो हुआ है. जब वेव्स शेलो वाटर तक पहुंचता है तो ये क्राउडेड हो जाते हैं. यहाँ पे आके मींस कोस्टल एरिया तक जब पहुंचते हैं तो ये एक साथ हो जाते हैं और इनकी हाइट में इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से इनका जो स्लोप होता है वो स्टीप हो जाता है और वेव का जो लोअर पार्ट होता है वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन लेता है ओशन फ्लोर के साथ, रेजिस्टेंस करता है, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से वेव का नीचे वाला पार्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और ऊपर वाला पार्ट कंपैरेटिवली फास्ट मूव करता है. और जैसे ये रीफ के साथ या ऑब्स्टिकल के साथ स्ट्राइक करता है तो यही वेव यहाँ पे ब्रेक होके कर्ल बनाता है इस तरह, और इन्हीं ब्रेकिंग वेव्स को सर्फ कहते हैं. यहाँ पे ये जो ब्रेकिंग वेव्स हैं दीज आर नोन एज सर्फ, और इनको स्वाश भी कहते हैं. और जब ये बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं या ये रिटर्न होते हैं तो उसको बैक स्वाश या बैक वॉश कहते हैं. सो बैक वॉश इज द रिटर्न मूवमेंट ऑफ वेव्स टू द सी.